ये है जी राव जोधा, जिनके नाम पे जोधपुर शहर है। शाही वाले से यहाँ का ज्यादा बेटर है मिर्ची वाला। तो अभी तक ब्लू गलियां ढूंढ रहे थे, अब ब्लू सीढ़ियां है ये। गाइस अभी बजे हैं 2 और हम वॉक कर रहे हैं जसवंत थड़ा की तरफ। अभी मेन एम है कुछ खाने का मिल जाए उसके रास्ते में, तो देखते हैं कुछ मिलता है। डायरेक्ट रोड जाती है वहाँ के लिए। अभी हम जसवंत थड़ा जा रहे हैं वॉक करके, तो रास्ते में राव जोधा का स्टैचू आता है ऐसा घोड़े पे। तो गाइस इंटर कर गए हम जसवंत थड़ा में। ये है पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ वो ताज ऑफ मारवाड़ कहते हैं। इसके बगल में एक सुंदर सी लेक है जिसका नाम देवसिंह। एक साइड धूप है, उस साइड इस छांव है। छांव वाला साइड सही लग रहा है। काफी शांत है ना? हाँ काफी शांत है, यहाँ पे भीड़ ज्यादा नहीं है। मेहरानगढ़ पे मैक्सिमम भीड़ थी। पीछे पूरा इसमें फोर्ट का वॉल दिखता है, ये भी एक फोर्ट कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। काफी बड़ा है वो एरिया। ये क्या बने हुए हैं इसे जसवंत थड़ा के अंदर? अंदर क्या है वो दिखते हैं। आवाज़ एक तो मस्त गूंज रही है और यहाँ पे पिक्चर्स लगे हुए हैं जो भी यहाँ के किंग है। तखत सिंह, मान सिंह, सारे महाराजाओं के फोटो लगे हैं इसमें आसपास। ये है जी राव जोधा, जिन्होंने जिनके नाम पे जोधपुर शहर है, जिन्होंने जोधपुर शहर बसाया है। तो भाई जसवंत थड़ा कुछ 20-25 मिनट में उड़ा दिया अपन ने। तो यहाँ पे एक ही साइट है तो छोटा है घूमने के लिए। तो भाई जसवंत थड़ा का हमने गार्डन भी देख लिया और सेनेट हाउस भी देख लिए। सेम टाइप के सेनेट हाउस है। लंच खाया जाएगा हम यहाँ से लंच के लिए, वही घंटाघर वाला एरिया मोस्टली। यहाँ देखते हैं कोई फेमस रेस्टोरेंट तो वहाँ डायरेक्ट जाते हैं, ऑटो ले लेंगे वहाँ का। गाइस अब हम जाएंगे भवानी दाल बाटी खाने में। तो भाई ऑटो कर लिया है भवानी दाल बाटी, जो करीब 4-5 किलोमीटर है। 4.5 किलोमीटर पहुँच जाएंगे 15 मिनट में अपन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भवानी दाल बाटी और यहाँ पे वेटिंग है 5 मिनट की। तो हम वेट कर रहे हैं खाने के लिए। प्राइस तो काफ़ी रिजनेबल दिख रहे हैं, तो अंदर टेस्ट करते हैं टेस्ट कैसा है। हम अभी आए हैं भवानी दाल बाटी रेस्टोरेंट में। यहाँ की दाल बाटी बहुत फेमस है, तो भैया ने हमको देख के ही समझ गया कि हम एक एक प्लेट नहीं खा पाएंगे, तो हम एक प्लेट ट्राई करने को बोल रहे हैं। तो हम वेट कर रहे हैं कि हमारा प्लेट आए। हाँ घी डालो मस्त। अभी तक पसंद नहीं आती थी ना बाटी, आज कैसी लगी? भाई अपनी खाई हुई बेस्ट दाल बाटी यार, क्या जोरदार है यार। दूसरी प्लेट मंगा ली अपन ने और इतनी कॉस्ट और इतनी सस्ता भी है, तो गजब। तो गाइस अभी हमको जाना है 9 चौकिया, जहाँ पे वो ब्लू ब्लू घर होते हैं। तो यहाँ से कुछ 2.5 किलोमीटर है भवानी दाल बाटी से, तो ऑटो लेके जाते हैं हम। तो गाइस आ चुके हैं हम 9 चौकिया में। ये है थोड़ा ओल्ड इलाका, यहाँ का पतली पतली गलियाँ हैं और पुराने टाइप के मकान हैं यहाँ पे। यहीं पे वो फेमस जो ब्लू सिटी वाला नाम पड़ा है, यहीं के घरों में ब्लू कलर करते हैं। तो देखते हैं वो एरिया कहाँ है। ऑटो वालों ने एक जगह उतार दिया, बोले इसके आगे आप खुद एक्सप्लोर करो वॉकिंग है, लेट्स सी क्या रहता है। तो भाई यहाँ पे काफ़ी कम कलर ही, अभी कम घर ही ब्लू कलर के बचे हैं। अब बोल रहे थे अंकल के अब इतना ब्लू बचा नहीं है, लोग नॉर्मल पेंट करने लगे हैं। वैसे ब्लू पेंट पहले से करते थे कि वो मच्छर अच्छे से सेफ है और ठंडा भी रहे घर और सुंदर भी दिखता था, सस्ते में काम हो जाता था। तो गाइस मिल गई फाइनली एक लंबी ब्लू लेन जहाँ पे घर ब्लू ब्लू है, सुंदर लग रही है। देख लिया हमने फाइनली द ब्लू सिटी। कुछ कुछ घर अभी है जो लाइन से भी ब्लू है, तो थोड़ा मेहनत लगेगा ढूंढने के लिए। अब मैं इसका कोई लैंडमार्क बता नहीं सकता क्योंकि हमको भी नहीं पता हम कैसे यहाँ पहुँच गए। तो अब बस गलियों में घूमते रहना, कुछ ना कुछ आपको ब्लू दिख जाएगा। तो अब हमारा प्लान है कहाँ जाने का? पचेतिया हिल। यहाँ से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर होना चाहिए, जहाँ से आप सनसेट देख सकते हैं। और पचेतिया हिल का जो जाने का है, उसके भी दोनों दीवारों पे मस्त पेंटिंग्स बनी हुई है ब्लू कलर है, तो वो भी देखने का है अपने को। लेट्स गो। ऑटो वाले से पूछा कि हमको जाना है पचेतिया हिल, तो वो बोले वॉकिंग ही जाना पड़ेगा आपको, ऐसा गाड़ी नहीं जाता वहाँ पे। तो 1 किलोमीटर है,
तो वॉक कर रहे हैं हम, तब तक कुछ 10-15 मिनट लगेगा। नौ चक्या हिल की तरफ जाती ही दोनों जगह पे ब्लू ब्लू पे पेंटिंग बना हुआ रहेगा मस्त। देखो सारे घर की वॉल्स पे, सारे इधर की, ये है वो स्ट्रीट। वाह, तो अभी तक ब्लू गलियां ढूंढ रहे थे, अब ब्लू सीढ़ियां हैं ये पूरी ब्लू सीढ़ियां है, आसपास घर है, सुंदर है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं पचीतिया हिल, ये फोर्ट से लगा हुआ हिल है और यहाँ पीछे मस्त ब्लू सिटी का फाइनली मिल गया, ब्लू सिटी का व्यू जो ढूंढ रहे थे हम इतनी देर से, ये है जी मस्त है। तो गाइस ये है पचीतिया हिल, अभी थोड़ा और आगे हम जा रहे हैं, काफी अच्छा व्यू है इस जगह का, हमने देखा मजेदार एकदम। आज का सनसेट तो काफी फीका लग रहा है बादलों के बीच में, क्या करें। तो गाइस पचीतिया हिल से हम नीचे उतर गए, अब यहाँ से हमने देखा तो हमारा होम से कुछ 500 मीटर है, तो गलियों गलियों से जाके पहुँचते हैं अब होम स्टे। आज जो घूमने का प्लान था वो सारा ही हो गया हमारा, तो सही रहा काफ़ी दिन आज का। तो गाइस हम देखने गए थे ब्लू वैली वहाँ पे, और देखो हमारे स्टे के आसपास कितना खतरनाक ब्लू वैली है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो जोधपुर में हमारा आज लास्ट दिन है और अभी हम जा रहे हैं उमेद पैलेस की तरफ, उमेद भवन की तरफ। और रुकने की बात किया अगर स्टे की जोधपुर में, तो हम 2 दिन के एक्सपेंस से बता सकते हैं कि जो घंटाघर वाला एरिया है और फोर्ट वाला जो एरिया है उसके बीच में आप कहीं भी रुक सकते हैं यहाँ पे। तो वैसा सीन है, तो क्या है घंटाघर के पास में आपको सारे रेस्टोरेंट भी वहाँ पर है, शॉपिंग भी वहाँ पर है। तो ये हम जो है थोड़ा हिली एंड पे हैं फोर्ट की तरफ, तो इसे थोड़ा नीचे उतरते ही वहाँ पर आप कहीं पर भी रुक सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए और वहाँ से ऑटो ऑटो मिल जाएगा कहीं जाने के लिए। तो हमको कुछ कितना 300 मीटर वॉक करना पड़ता है नीचे उतरने के लिए, हाँ। और फिर हमारे लिए भी नॉर्मल हो जाता है सब। हमने लास्ट मोमेंट बुकिंग करी तो हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, बट हम खुश हैं हमारे स्टे से, ऐसे ओवरऑल सर्विस अच्छी है प्रॉपर्टी का। इस हमने जोधपुर में कोई प्लान नहीं था बाइक रेंट करने का, पड़े थे हमने बाइक रेंट कर ली क्योंकि आज हम बहुत दूर दूर जाना है, मतलब 5-6 किलोमीटर की रेंज पे ट्रैवल करना है, तो ऑटो वाले अराउंड 600-700 रुपये लग ही जाएंगे हमको पता है कल के एक्सपीरियंस से। तो आज हमने स्कूटी ले ली जो कि 450 में है, सही हमारे घर के पास से ही मिल गई, मतलब काफ़ी लोग रखते हैं यहाँ पे घर पे भी, तो सही है। चलो लेट्स गो। तो गाइस अभी हमने जनता भी मंगाया है, एक प्याची कचौरी, मिर्ची वड़ा, मलाई केवर और एक दही ऑनियन कचौरी भी चाहिए। काफ़ी सही लग रहा है, रेस्टोरेंट बैठने की सुविधा मस्त है, रेट भी काफ़ी सही है, तो देखते हैं टेस्ट के साथ ही देखने बचा है। ये जो दही चाट है अगर स्पेशल हो तो अलग ही हो जाएगी, दही एकदम अलग ही लगती है, श्रीखंड जैसी मिक्स टाइप की फ्रेश है एकदम। जो मलाई केवर है ना वो भी बहुत शानदार है, आपका एकदम गजब बढ़िया है। फाइनली मिर्ची वड़ा आ गया, प्याजी कचौरी नहीं मिल रही अपने को, एक्चुअली शाही वाले से यहाँ का ज़्यादा बेटर है मिर्ची वड़ा। पहुंच गए हैं उमेद पैलेस हम बड़ा घूम घुमा के, इसके एक दो रास्ते हैं तो कुछ रास्ते बंद थे, तो टूरिस्ट के लिए एक रास्ता था उससे हम आए। ये महाराजा का शेरवानी कितना सही लगता है ना, खतरनाक। ये जो वॉल पेंटिंग्स हैं बड़ी मॉडर्न लग रही है, जैसे अभी एनिमेटेड वर्जन आते हैं कार्टून कैरेक्टर के वैसे लग रहे हैं, उसमें कलर्स भी काफ़ी मॉडर्न तरीके से हैं, दे वर बेहद सही।
अपने उमेद भवन काफ़ी हद तक घूम लिया, अभी पता नहीं कितना और बचा है। एक्चुअली तो 347 रूम्स हैं तो सब तो देख भी नहीं सकते, उसमें से आधा तो उसमें रॉयल्स रहते हैं, आधे में ही एक्सेस है। हाँ, काफ़ी कम एरिया में ही एक्सेस है एक्चुअली इस पैलेस के। और ये पैलेस एक्चुअली बहुत ही स्पेशल है, ये वन ऑफ द लास्ट पैलेसेस है इंडिया का, और इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था। 1929 से स्टार्ट होकर 1943 तक बना था। स्लो बनाने का भी रीज़न था क्योंकि यहाँ के राजा यहाँ की जो कॉमन पब्लिक है उसको ड्रॉट से निकालने के लिए, गरीबी से निकालने के लिए उन्होंने इसको जानबूझ के स्लो बनवाया। तो यहाँ पे लगभग 3000 आदमी और औरतों को काम मिला। तो इसको बोलते हैं पैलेस फॉर गुड रीज़न। तो भाई अंदर से तो देख लिया हमने उमेद पैलेस, अच्छा है। बाहर से तो काफ़ी रॉयल स्ट्रक्चर है यार, मतलब खतरनाक बड़ा है, एकदम शानदार लगता है। और अंदर भी स्टोरीज काफ़ी अच्छी है, महल में मेनली स्टोरीज होती है और पुराना आर्ट एंड कल्चर आप देख सकते हो। तो सही था ये काफ़ी, और ये इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे एक विंटेज कार कलेक्शन भी है तो वो देखना है हमको, और बाहर से थोड़ी बहुत फ़ोटो खींच लेते हैं। इतना बड़ा है फोटो में तो दिख भी नहीं पाएगा वैसा है ये, ड्रोन ही चाहिएगा इसके लिए। हम उमेद पैलेस से बाहर निकल गए, हम बाइक उठा के, हमको मेनली एक जगह जाना है मंडोर गार्डन और दूर जी का झालरा अगर देखना है। एक मंडोर गार्डन के पास एक पंच समथिंग वो है, छतरीज है। अच्छा, वो भी देख लेंगे पंच जी। आ गई है हमारी जिप्सी थाली, इसके अंदर क्या क्या है भाई। ये कुछ हलवा दिख रहा है, ये है जो मेन दाल मखनी, ये आलू पनीर, आलू मटर है, और ये पनीर है, चावल, रायता, सलाद, मिठाई। मिठाई तो एक ही दिख रही है, ये भी मिठाई है, ये मिठाई है ना ये, और ये लच्छा पराठा, ट्राई करते हैं चलो। तो भैया जिप्सी पे हो गया खाना, अच्छा था खाना काफ़ी, एक थाली में हम दोनों निपट गए, उसमें ही थोड़ा बच गया। तो अब हम जा रहे हैं मंडोर गार्डन, यहाँ से करीब 8-9 किलोमीटर दिखा रहा है, चलते हैं। आई बाइक लेना एकदम काम आ गई भाई। तो गाइस पहुँच चुके हैं मंडोर गार्डन, काफ़ी अच्छे से पार्किंग वार्किंग बनी हुई है, मस्त। अभी एंट्री का कोई फ़ी नहीं लग रहा, फ्री जैसा लग रहा है पार्क। तो सही है, एक्सप्लोर करते हैं गार्डन क्या है यहाँ पे, मतलब सेनोटॉप्स है, मंदिर है और सेनोटॉप्स है गार्डन के बीच। अच्छा अच्छा सही है, तो क्या मंदिर है यार, लोगों देखो लेवल ही अलग है, और लंगूर भी बहुत है यहाँ पे खाने वाने का, बचा के थोड़ा ले हाथ में रखोगे तो। यहाँ खाना एक्चुअली अलाउड ही नहीं है लेके आना, पर ले आते हैं लोग। मंडोर गार्डन का सिर्फ एक टेंपल वाला जो जगह है वो ही घूम रहे, और इतना सही है ना ये, मतलब मजा आ गया। इसको देवल बोलते हैं इस एरिया को, देवल करके, तो ऑसम, मतलब लग नहीं रहा हम बाकी सब कर पाएंगे। हमारे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं जो यहाँ पे देवल जो मंदिर है सारे, वो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे एक फूड कोर्ट है, वहाँ से पानी का बोतल ये लिया था। तो हमने गार्ड साहब से पूछा कि भैया क्या क्या और घूमने का, वो बोले ये तो बस एक मंदिर है, शुरुआत है, मतलब अभी तो बहुत है, यहाँ पे सनसेट पॉइंट है, कैफेटेरिया है, डैम है। हमने बोला भाई इतना तो टाइम शायद तक नहीं है हमारे पास, तो देखते हैं क्या, व्हाट बेस्ट वी कैन डू। पर यहाँ के टेम्पल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, मतलब सही है, काफ़ी ग्रैंड है, और वो अच्छा लगा अंदर सर्कुलर पूरा जो राजस्थान का होता है। तो वैसे यहाँ ऐसे लाइन से सारे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत ही प्यारे से, कांच की वजह से दिख नहीं पा रहा है।
तो यहाँ पे एक म्यूजियम है जो 5:15 बज जाता है और ऑलमोस्ट 5 बज गए हैं तो हम नहीं जा रहे हैं। और एक मंदिर भी है काफ़ी बड़ा सा, तो बस अब हमको लगता है यहाँ से हम निकलेंगे। पास में कुछ छतरियाँ हैं जो विजय ने देखी थी, तो उसमें काफ़ी सुंदर एक गोल सा ऐसा काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, तो वो बड़ा सही लगेगा एक्चुअली हमें। कैमरा दिखा रहा हूँ उनको, नहीं देख रहा हूँ। आ चुके हैं हम पंचकुंड सेनेटोस पे। गाइस हमने ये छतरियाँ भी घूम ली, काफ़ी अच्छी है। मेन रीज़न यहाँ पे बिल्कुल भीड़ नहीं है तो और अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई नहीं था, बस एक दो लोग अभी जस्ट आए थे थोड़ी देर पहले। थोड़ा ऑफ बीट है, यहाँ ज़्यादातर लोग आते नहीं है, मंडोरा से लोग जल्दी निकल जाते हैं। ये है क्या? गुलाब जामुन करी। गुलाब जामुन करी बहुत हाइप है जोधपुर का, हर शॉप पे लिखा है स्पेशल चीज गुलाब जामुन। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करी लो पता। अच्छा हाँ, वहाँ पे मेरे को लगा था ये आलू दम है, खा रहे थे ना लोग। हाँ मुझे लगता है मलाई कोफ्ता जैसा होगा इसको। राइट, कुछ तो लेके जाए नया जोधपुर से। अच्छा चलो खाते हैं। तो गाइस हमने जो बाइक रेंटल पे ली थी वो वापस कर दी, काफ़ी सही लोग थे वो। मज़ा आया उनसे मिलके। मैंने पूरी स्टोरी सुनाई है मैं चामुंडा देवी की, जो मैं रानगंड उनकी जिनकी टेंपल है। तो अभी हमारा एम है कुछ शॉपिंग का कुछ मिल जाए और फिर थोड़ा बहुत खा के आज का दिन हमारा ख़त्म, तो जोधपुर ट्रिप भी ख़त्म हमारा।